के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ था मैं तो कहां जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे माला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला। बच्चों को भेज दो, देर हो रही है। अच्छा सुनो, फीस का कुछ कर देना आज। कोशिश करूंगा, दुआ करो सादिक साहब पैसे दे दे तो मिल जाएंगे फीस के पैसे। अगर उनसे उम्मीद लगाई हुई है तो फिर तो रहने ही दे, अभी तक हमने पिछला उधार वापस नहीं किया है। अब्बू आज आते हुए फीस के पैसे जरूर लेके आइएगा, पीछे रोज क्लास से बाहर खड़ा करती है हमें। कोशिश करता हूँ बेटा। हाँ वो मालिक मकान भी चक्कर लगा रहा था, 2 महीने हो गए किराया नहीं दिया, कब तक टाल मटोल करेंगे। क्या करूँ क्या करूँ, मैं महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पैसे कमाओ और खर्च हो जाते, पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं कि तोड़ के उसे दे दूँ। आते हैं तो देता हूँ, चलो आओ भाई। चलो बेटा। अम्मी आज खाने में मुर्गी बना लीजिएगा, कितने दिनों से हमने मुर्गी नहीं खाई। मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रोटी मिल जाती है। क्या हो गया आसिया, तुम्हें क्या हो गया, बच्चों से ऐसे बात करते हैं यार। अरे तो कौन सा गलत कह रही हूँ, झूठ बोलूँ क्या बच्चों से। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि माँ बाप के हालात क्या है, ताकि फजूल फरमाइशें ना करें। हाँ चलो बैठो बैठो बैठो। पता नहीं हमारे हालात कब अच्छे होंगे। चलो चलो चलो, स्टार्ट हो गया। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। क्या करूं मैं, अस्पताल भी जाना जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। कैब मंगवा लेता हूं। अरे भाई ये भी 10 मिनट बता रहा है। भाई साहब सिटी हॉस्पिटल जाना है। 300 रुपए साहब। हाँ हाँ जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, बस 10 मिनट में पहुंचा दो। बैठे 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 साहब। शुक्रिया। साहब आप काम क्या करते हो? मैं डॉक्टर हूँ, आज मेरी सर्जरी है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दी पहुंचाओ। हेलो जी, डॉक्टर फारूक बात कर रहा हूँ। जी जी मैं हॉस्पिटल पहुंच ही रहा हूं, मुझे पहुंच जाने दे फिर बात करते हैं। ओके भैया जल्दी चलाओ। साहब बेफिक्र हो जाओ, टाइम पे पहुंचा दूंगा। वैसे सड़कों पे पड़ा होगा ना, ना पहुंचने से बेहतर है कि बंदा देर से पहुंचे। हाँ सामने देखो जल्दी। हाँ साहब शुक्रिया। साहब बकाया बाल रख लो।
मालिक मकान भी चक्कर लगा रहा था, 2 महीने हो गए, किराया नहीं दिया, कब तक ताल मटोल करेंगे? आज टीचर ने कहा था कि अगर कल फीस ना लाए ना तो स्कूल में नहीं आने देंगे हमें। जी अम्मी, मेरी टीचर ने भी ऐसा ही कहा था। बस बेटा दुआ करो आज अप्पा कहीं से पैसे ले आए बस है। अम्मी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं इतने गरीब क्यों है? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये लो भाई मुर्गी लाए अपनी बेटी के लिए, बनाओ हम सब खाएंगे। पैसों का बंदोबस्त हो गया क्या? बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, फिलहाल तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। अच्छा आप मुंह हाथ धोए, मैं लगाती। शाबाश। अम्मू कितने अच्छे हैं ना। ये पैसे हमें मिले हैं ना, हमारे हैं। मैं अलमारी में रख देती हूँ। मगर आसिया ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। अच्छा आप बताओ पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं हुआ? हुआ भी और नहीं भी। ये किस किस्म का जवाब है? पैसे ये कहां से आए? एक डॉक्टर बैठा था मेरे रक्षे में और वो अपना पैकेट भूल गया। ये कहना अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। अल्लाह चोरी के माल से मदद नहीं करता आसिया। अरे चोरी कैसी, चुराए थोड़ी आपने, वो भूल गया ना रक्षे में। हाँ मगर मैं तो उसे लौटा सकता था। वापस करने ही थे, फिर घर लेकर ही क्यों आए थे? वापस ही करने गया था, फिर घर की जरूरतें और मजबूरियां याद आ गईं। हाँ ना असलम, समझते क्यों नहीं हो ये गैब से मदद मिली है? अरे इन पैसों से इतने सारे मसले हल हो जाएंगे। मालिक मकान का किराया दे दूंगी, बच्चों की फीस दे दूंगी। पता है उनकी टीचर ने सख्ती से कहा था कि अगर फीस नहीं हुई कल तो मत आना, सुबह जाके जमा करवा दूंगी। अल्लाह ने हम गरीबों की सुन ली। वो तो सब ठीक है मगर। अगर मगर क्या, ये पैसे हमें मिले हैं ना, हमारे हैं। मैं अलमारी में रख देती हूँ। मगर आसिया। अच्छा रहने देना, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्यों सब कुछ सही नहीं लग, मगर क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं और मजबूरी सही या गलत कहां देखती है। मेरे गुनाह फर्श में डाल दिया मुझे मेरे मालिक। अगर मैं अपने घर के हालात देखूं तो दिल करता है कि इस रकम को इस्तेमाल कर, लेकिन अगर मैं अपने ज़मीर की सुनूं तो वो कहता है कि जिसकी रकम है, जिसकी अमानत है, उसे वापस लौटा दो। अगर ये पैसे मैं वापस लौटाता हूं तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए, मालिक मकान ये छत भी उनसे छीन लेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे मालिक तू ही कोई रास्ता निकाल।
से ये इल्तिजा है, मांगता ये मांगता है बिगड़ी बना दे। क्या हो गया? सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? उन पैसों की वजह से परेशान हूं। परेशान तो तुम्हें घर के हालात की वजह से होना चाहिए, बच्चों की स्कूल की फीस की वजह से होना चाहिए, घर के बिजली और गैस के बिल की वजह से होना चाहिए, घर के किराए की वजह से होना चाहिए। आज जब इन सब चीजों का बंदोबस्त हो गया तो फिर खुश होने के बजाय परेशान हो रहे हो क्यों? क्या करूं आसिया, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें घर से निकाल दिया जाएगा तो ठीक लगेगा, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा वो ठीक लगेगा, घर में जो दो वक्त की रोटी बनती है वो बंद हो जाएगी वो ठीक लगेगा। मायूसी की बातें क्यों कर रही? जिसने चोंच दी है दाना भी वही देगी। रिस्क देने का वादा मेरे रब ने किया और वो अपने बंदों को भूखा नहीं मरने देता। हाँ असलम, इसलिए तो कह रही हूँ उसी रब ने हमारी मदद की है। अरे मैं तो सुबह सुबह बच्चों के साथ स्कूल जाऊंगी, जाकर उनकी फीस जमा करवाऊंगी, उसके बाद राशन वाले के पैसे देने, मालिक मकान का किराया भी दे दूंगी। और असल में उसी दीघी साहब को उधार लौटाना था ना, मैं तो कहती हूँ वो भी लौटा दो, सब मसले हल हो जाए। परेशान मत हो, इन पैसों से हमारी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगे। चलो सोने आ जाओ। यहीं तो रखे थे, कहाँ गए? असलम, असलम, असलम! अरे मानी बेटा, अब्बा कहाँ है? अब्बू तो सुबह सुबह चले गए थे। सुबह सुबह चले गए, नाश्ता भी नहीं किया, कहाँ गए? अम्मी फीस का कुछ बना? हाँ बेटा पैसे तो मिल गए, वो आज के दिन छुट्टी कर लो, कल ना मैं साथ जाऊंगी स्कूल। अरे जाऊंगी ना, कल फीस दे दूंगी सारी। हैं? अच्छा ठीक है। हाँ जो देखा बताया, अभी कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो कल एक डॉक्टर साहब ये पैकेट मेरे रक्षे में भूल गए थे, ये वापस देने आया हूँ। यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर फरुख बात कर रहा हूँ। डॉक्टर फरुख नाम है उनका, ऑपरेशन भी करते हैं। ओ अच्छा, डॉक्टर फरुख। तो इस नाम का कोई और डॉक्टर भी है या? नहीं नहीं बस वही है। तो ठीक है फिर ये पैकेट आप उन्हें दे दीजिएगा। आप रुके। नहीं वो मैंने अपना रक्षा ना नो पार्किंग में खड़ा किया हुआ, तो पुलिस वाले उठा लेंगे, मैं उसे सही खड़ा करके आ रहा हूँ। अजीब आदमी है। हेलो डॉक्टर फरूख जी, कोई रक्षे वाला आपका एनवलप देके गया है ब्राउन कलर का? नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे मकान का आज किराया चाहिए वरना मकान खाली करो। अरे लियाकत भाई मैं कह रही हूँ ना, पैसों का इंतजाम हो गया है, वो बस असलम आएगा तो मैं भेज दूंगी पैसों के साथ। हाँ
एक महीना हो गया ये बातें सुनते सुनते। ले, आ गया ना असलम भी, अभी बताती हूँ। अरे असलम, आके इनको इनका किराया दे दो ना भाई, इतने दिन सबर किया इन्होंने, अब और इंतजार ना करवाओ ना भैया को। अब मुझे सबर नहीं होगा भैया, दो महीने किराया तो तुम लोग के पहले ही है, तीसरे महीने का ये चढ़ गया है, अब मकान का किराया दे दो नहीं तो मकान खाली करो। लियाकत भाई वो अरे ये वो क्या कर रहे हो, दे दो ना पैसे, खड़े होकर बातें क्यों सुन रहे हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। लो सुन लो। क्या मतलब पैसे नहीं है, कहाँ गए पैसे? वो मैंने वो ए, तुम दोनों मियां बीवी के तो बयान भी आपस में नहीं मिलते, एक अगर झूठ बोला करो तो कम से कम बयान तो एक रखा करो। लियाकत भाई मेरी बात सुने, बस एक हफ्ते का टाइम देते। एक दिन का भी टाइम नहीं दूंगा। लियाकत भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे दें, मेरे हालात तो आपके सामने है, मैं फिर भी किसी भी तरह ना आपके किराए का बंदोबस्त कर। हालात? अरे हालात तो तुम्हारे कभी ठीक होंगे ही नहीं। मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखें लियाकत भाई, एक हफ्ते का टाइम दे दें, मैं किसी भी तरह आपके किराए का बंदोबस्त कर लूंगा, बस एक हफ्ते का वक्त दे दें, और ये आखिरी मोहलत मांग रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है ठीक है, तुम पे एतबार करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन आखिरी बार एतबार कर रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा किराया दे देना, वरना खामोशी से अपना सामान लेकर चले जाना, वरना मेरे बंदे आगे तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। पैसे हमारे नहीं थे, अमानत थी किसी की। हाँ वो अमानत जरिया था खुदा का भेजा हुआ हमारी मदद करने के लिए। ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला। आसिया हाथ नहीं लगाना मुझे, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं, क्या कहना है तुम्हें है? कहो क्या कहोगे? देखो तुम भी जानती हो मैं सारी रात सो नहीं सका था, मेरे दिल पे बोझ था, कई दफा मैंने सोचा कि वो पैसे रख लूं, लेकिन मेरे जमीर ने इजाजत नहीं दी और वो पैसे मैं उसे वापस कराया। क्यों क्यों करके आए वापस, घर की जरूरियात नजर नहीं आ रही थी? वो पैसे हमारे नहीं थे, अमानत थी किसी की। हाँ वो अमानत जरिया था खुदा का भेजा हुआ हमारी मदद करने के लिए। खयानत करके, कभी बेईमानी के पैसों से भी किसी की मदद हुई है आसिया? खुदा बेईमानी से हमारी मदद करेगा? मैंने अपने बच्चों को आज तक हराम का एक निवाला नहीं खिलाया, तो बददयानती कैसे कर सकता हूं मैं? इसलिए बच्चे आज स्कूल नहीं गए और शायद कभी जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम उनकी फीस ही नहीं दे पाएंगे। अरे राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया, दो दिन में बिजली कट जाएगी, बच्चों का स्कूल तो छूट ही गया है, हमारे सर से छत भी छिन जाएगी। नहीं छिनेगी छत, खुदा कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा, ऊपर से फेंकेगा ना पैसे तुम्हारे लिए है। वो मौजजात का खुदा है आसिया, पत्थर से भी अनाज पैदा कर देता है, तुम देखना मेरी भलाई रायगा नहीं जाएगी, वो मेरी नेकी और सवाब का सिला जरूर देगा, वो अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं करता। लेकिन मतलब तुमने मुझे बहुत मायूस किया, आज जब मालिक मकान के आगे तुम हाथ जोड़ के यूं खड़े हुए थे ना, पता है कितनी शर्मिंदगी हो रही थी, कितनी तकलीफ हो रही थी, तुम्हें तो बस अपनी नेकी की फिक्र है ना,
ना मेरी फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, ना घर की फिक्र है, किसी चीज की फिक्र नहीं है। बस तुम अपने खुदा को खुश करो, भले हम सब भूखों से मर जाए। अम्मी क्या हम अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं जाओगे ना स्कूल, लेकिन अब छुट्टियों के बाद जाओगे। हैं छुट्टियां? हाँ वो मैं तुम दोनों को लेकर ना नानी के घर जा रही हूँ, तो इसलिए फिर छुट्टियां हो जाएंगी। अरे वाह, नानी अम्मा के घर, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। अब्बू भी साथ जाएंगे ना? नहीं बस हम तीनों जाएंगे ना। हैं लेकिन ये घर तो हम छोड़ देंगे ना? ये किसने कहा तुमसे? सुबह जब मालिक मकान आया था ना, तो मैंने सारी बातें सुनी थी। वो ये कह रहा था कि घर खाली कर दो, अगर नहीं किया ना तो सारा सामान निकाल के बाहर फेंक देगा। ऐसे कैसे हमारा सामान फेंक देगा? कोई हाथ तो लगा के देखे हमारे सामान को, हाथ तोड़ दूंगी। हाँ मगर अम्मी, मगर कुछ नहीं मानी, बहुत बातें करते हो हैं। चलो शाबाश, सोचो चलो, अब कोई बातें नहीं। अम्मी वो मानी कह रहा था कि बेटा कहा ना, बस चलो शाबाश, देर हो गई है ना, तुम भी सोचो, लेटो, चलो सुबह सामान भी पैक करना होगा, चलो शाबाश सोचो। मेरे परवरदिगार, तू मेरी मदद फरमा, तू ही सबका हामी और मददगार है। तू जानता, तेरे बंदे ने जो कुछ किया है तेरी रजा और तेरी खुशनुदी के लिए किया, और तेरे दर से कोई भी सवाली कभी भी खाली हाथ नहीं गया। मेरे मौला मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे, मेरे मौला मेरी मदद कर, तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे मौला मेरी मदद फरमा दे, तेरी मदद फरमा मेरे मौला, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। सामान रख लिया ना सबने अपना? है कुछ रहे तो नहीं क्या? सब रख लिया। क्या हुआ, कहाँ की तैयारी, कहाँ जा रहे हो? अबू अम्मी हमें नानी के घर लेकर जा रही हैं। नानी के घर? यूं अचानक? क्यों, अपनी माँ के घर जाने के लिए मुझे कोई वजह तलाश करनी पड़ेगी? वजह की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बताकर तो जा सकती हो ना। अच्छा, तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पूछा था क्या किसी से? बदला ले रही हो मुझसे? देखो असल में बहस नहीं करना चाहती, रोटी बनी रखी है, खा लेना है। चलो बच्चों। आसिया? क्या आसिया, अरे भाई को हमेशा को तो नहीं जा रही ना, एक हफ्ते के बाद अगर ये छत हुई हमारे सर पे तो लौट आऊंगी, वरना दर बदर बच्चों को लेकर फिरने का कोई शौक नहीं है, अपनी माँ के घर टिकी बैठी रहूंगी। हाँ क्या हो गया तुम्हें, जज्बात में फैसला करने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचो, जज्बात में किए हुए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। अरे नुकसान देने को रह क्या गया है, कुछ बचा है? चलो हटो हटो असलम, चलो बच्चो। मेरे गुनाह ऐसा क्यों किया आसिया? तुम्हें तो इस वक्त मेरी ताकत करना चाहिए था।
और तुम ही मुझे इन हालात में छोड़कर चली गई। दिल से ये इल्तिजा है, मांगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। अब्बू घर में अकेले? जी अम्मी, हम सब तो यहाँ आ गए, तो खाना कैसे खाते होंगे? तुम दोनों कितनी याद आ रही है ना बाप की, तो भेज देती हूँ दोनों को वहीं। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं, तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। कौन सा हमेशा के लिए आई हूँ, चंद दिन बाद वापस चली जाऊंगी, एक दफा उसका दिमाग ठिकाने तो लग जाए। देखो तुम कुछ भी समझो, मैं तो असलम के साथ, उसने जो कुछ भी किया ना बिल्कुल सही किया। क्या खाक ठीक किया? अम्मा हमारे घर के हालात देखे, 2 महीने से किराया नहीं गया है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई, अरे हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं, घर में गोश्त नहीं पकता। हाँ तो हालात से समझौता करना सीखो ना, अच्छी बीवियाँ मुश्किल वक्त में शोहर का साथ देती है, ना कि उससे नाराज होके इस तरह आ जाती है। साफ साफ क्यों नहीं कह देती मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है, चली जाती हूँ मैं बिना पप्पू के यहाँ, जरूरत नहीं है यहाँ रहने की, सोचा था माँ के घर जाऊंगी, 4 दिन सुकून से रहूंगी, लेकिन नहीं, लगता है बोझ हूँ ना तुम पे। आसिया बेटा, बेटियाँ माँ बाप पे बोझ नहीं होती, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब तक जी चाहे रहो, और फिर तुम जानती हो तुम्हारे भाई को तुम्हारे बच्चों से कितनी मोहब्बत है। हाँ तो ये अपनी बेटी को क्यों समझा रही है, दामाद को भी तो समझाए ना। अगर उसने गलती की तो उसे भी समझाऊंगी। वाह अम्मा, दुनिया की वाहिद माँ होगी जिसे से बेटी की गलती नजर आती है लेकिन दामाद की नहीं। अच्छा चल गुस्सा ना कर, अभी भाई के आने का वक्त हो गया, जा उसके लिए कुछ खाना बना दे, जा। और एक बात याद रखना, उसे ना बताना कि तू शोहर से नाराज होके आई है। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन अब असलम की तरफदारी नहीं करनी मेरे सामने, बस वरना जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी यहाँ पे। या अल्लाह इसको हिदायत दे थोड़ी सी, तो पता नहीं ये अपना घर उजाड़ने पे क्यों तुली है। अबू हमें कब लेने आएंगे? क्यों, 3 दिन में उदास हो गए क्या? अबू घर में अकेले? जी अम्मी, हम सब तो यहाँ आ गए, तो खाना कैसे खाते होंगे? तुम दोनों कितनी याद आ रही है ना बाप की, तो भेज देती हूँ दोनों को वहीं। तो आप भी साथ चली जाए। जी अम्मी, आप भी हमारे साथ चले ना। तुम दोनों को मुझे समझ में नहीं आती, वैसे तो हर वक्त शोर करते रहते हो, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, अब लेकर आई हूँ तो जाने की पड़ी है। अम्मी मुझे पता है आप अबू से नाराज होकर आई हैं। अम्मी आप अबू से नाराज मत हुआ करें, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ तो क्या अम्मी बुरी हैं? नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा सो जाओ ना तुम हैं, और तुम जाओ चादर लेकर आओ, जाओ जाओ। मैं सोच रही थी कि तुम्हें आए हुए 4-5 दिन हो गए, तुम्हारे भाई को असलम के पास भेज कर उसे यहाँ बुलवा लो और बैठ कर उससे बात कर। उन्हें तो फिक्र है नहीं अम्मा, लगता है तुम्हें ज़्यादा फिक्र है मुझे घर भेजने की। फिर वही बात, कुछ अक्ल से भी काम लो बेटा,
घर इस तरह नहीं बसाए जाते बेटा। और फिर उस बेचारे की गलती क्या है, वो तो किसी की अमानत थी जो उसने लौटा दी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा शौहर इतना ईमानदार है। अरे ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा जिससे हम फाको मरे। देखो बेटा, हमारे भी शादी के 4-5 साल ना बहुत बुरे हालात थे, हमने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, जो रूखा सूखा मिला खा लिया और सबर शुक्र किया, और फिर खुदा ने हमारे सबर का अजर दिया, हमारे हालात अच्छे हो गए। और तुम्हारे अब्बू ने पेट पे पत्थर बांध के दिन गुजारे, मुझे और तुम लोगों को कभी हराम का एक निवाला नहीं खाने दिया। एक बात बताओ, बेईमानी के कमाई से घर बसते नहीं उजड़ जाते हैं, और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए जिसने अपनी ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए घर आई हुई दौलत को लात मार दी। अब देखो तुम्हारी नाराजगी उसने मोल ले ली, लेकिन तुम लोगों को कभी हराम का एक निवाला नहीं खिलाया। हलाल रिस्क में ही बरकत है मेरे बच्चे, और तुम देख लेना तुम्हारे शोहर को अल्लाह ताला इस नेकी का अच्छा सिला देगा। अम्मी, अम्मी, जल्दी उठे मेरे साथ चलें। क्या हुआ? मैं और मानी ऊपर छत पे खेल रहे थे, वो छत से गिर गया, जल्दी चलें मेरे साथ। अल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे। मानी, मानी बेटा, आगे खोलो। मानी तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, आगे खोलो ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे बच्चे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अम्मा, मेरा बच्चा। अम्मा, अम्मा, तुमको बताया? हाँ बेटा, उसे फोन कर दिया था, बस वो आता ही होगा। ये जो बच्चा अभी इमरजेंसी में लाया गया है, क्या वो आपके साथ है? जी जी, मेरा बेटा है, मैं मामा हूँ उसकी। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं, वो ठीक है ना? आप हौसला रखें और दुआ कीजिए, हम डॉक्टरों से भी बड़ा डॉक्टर वो मालिक के कायनात है, हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन क्यों डॉक्टर साहब? जी आप फॉर्म फिल कर दें और जल्दी से पैसों का बंदोबस्त कीजिए। पैसों का बंदोबस्त कहाँ से पैसे लेकर आऊंगी डॉक्टर साहब? हम गरीब लोग हैं, दो वक्त की रोटी मुश्किल से खाते, पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप तो मसीहा है ना डॉक्टर साहब, आप उसे बचा सकते हैं, आप उसे बचा सकते हैं। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकती आपको, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। बहन ऐसा मत कीजिए, देखें आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं। देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फीस माइनस कर दूंगा, लेकिन अस्पताल के अखराजात आपको ही देने होंगे। आप आइए मेरे साथ आइए। करीम, इनके बिल में से आप मेरी फीस माइनस कर दें, और हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर में से इनको 30% डिस्काउंट भी दो। देखे बहन, जो मैं कर सकता था मैंने किया है, लेकिन बकिया पैसों का बंदोबस्त आपको खुद करना पड़ेगा, वक्त कम है। Excuse me. आसिया, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ इसे? क्या हुआ है? मैं अगर उसे कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। हुआ क्या है? कहाँ है? ऑपरेशन करने के कितने 50,000 रुपए जमा कराऊं, कहाँ से लाऊं? मैं कहाँ से लाऊंगा 50,000? कुछ करो, कुछ तो करो। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा ले, डॉक्टर साहब मेरे जिगर के टुकड़े को बचा ले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा ले। वो बेटा तुम्हारा है? जी डॉक्टर साहब, वो मेरा बेटा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक दफा रक्षे में, अपने रक्षे में यहाँ छोड़ा था। हाँ, मुझे याद आ गया, याद आ गया। करीम, इनका बिल मेल कर दो, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स और ऑपरेशन के सारे अखराजात मैं खुद दूंगा,
और मेडिसिन का बिल भी मेरे अकाउंट में डाल देना। मगर सर, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। डॉक्टर साहब, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप इंसान नहीं, फरिश्ता है डॉक्टर साहब आप। अरे भाई, फरिश्ता की सिफत तो तुम खुद हो, तुम खुद हो जिसने अपनी गुर्बत के बावजूद मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दिए और बदले में इनाम भी नहीं लिया। चलो शाबाश, हौसला रखें आप लोग, हौसला रखो, ठीक है। दुआ करो अपने बच्चे के लिए, दुआ करो, ठीक है। शाबाश, शुक्र। तुम हौसला रखो, तुम्हें पता ही है वही डॉक्टर है जो अपने पैसे मेरे रक्षे में भूल गया था। अब खुदा हमारे बेटे को कुछ नहीं करेगा। मुझे इशारा मिल गया, हमारे बेटे को खुदा कुछ नहीं करेगा। चलो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मेरी रकम लौटाकर मेरी सोच बदल दी, मेरी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली ले आए हो। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे। मुबारक हो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब हो गया। लगता है खुदा ने आप लोगों की दुआ सुन ली। या अल्लाह, तेरा शुक्र। डॉक्टर साहब, मिल सकते हो? हाँ, बस वो थोड़ी देर तक होश में आ जाए, फिर आप जाके मिल लिएगा। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। अरे यार, मैंने क्या एहसान किया तुम पर? हाँ, मैंने तो बस अपने रब को राजी करने की कोशिश की थी। एहसान तो तुमने किया है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मेरी रकम लौटाकर मेरी सोच बदल दी, मेरी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली ले आए हो। एक सेकंड, ये लो। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं। रख लो, काम आएंगे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया। नहीं, अरे भाई, एक भाई का तोहफा समझ कर रख लो, ख्याल रखना बेटे का। माफ कर दो असलम, तुम्हारे ईमान को समझ नहीं पाए। माफी मुझसे नहीं तो उस परवरदिगार से मांगो। जिसकी बरकतों का यकीन नहीं था तुम्हें, उससे माफी मांगो। आसिया, देखो, मुझे माफ कर, माफ करते मेरे अल्लाह, मुझे तेरे करम के सदते मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे।